खजुराहो के महादेव मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, आज जिले के प्रभारी मंत्री बीरेंद्र कुमार सकलेचा ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए खजुराहो सांसद बीडी शर्मा ने कहा कि खजुराहो को शीघ्र ही एयर कनेक्टिविटी मिले, इस हेतु उन्होंने उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। वहीं रेल मंत्री से मुलाकात कर खजुराहो को वंदे मातरम, गतिमान या शताब्दी जैसी ट्रेन दिए जाने हेतु भी मांग पत्र सौंपा है। निश्चित रूप से खजुराहो के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है, जिसके लिए सांसद खजुराहो वीडी शर्मा ने कहा है कि वह लगातार प्रयासरत हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एयर कनेक्टिविटी अक्टूबर में शुरू हो जानी चाहिए थी। उद्यान मंत्री जी ने उस समय इसका डिक्लेरेशन भी किया था। कल मैं उनसे विशेष तौर पर इसी काम के लिए मिला था। एयर इंडिया का जो थोड़ा अधिग्रहण होने की जो बात हुई है, उसके कारण से थोड़ा डिले हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही, अब मैं उसको दो दिन चार दिन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जल्दी ही एयर कनेक्टिविटी खजुराहो की जुड़ेगी, क्योंकि मैंने गंभीरता से इस बात को किया है, क्योंकि ये टूरिज्म का बड़ा प्राइम टाइम है खजुराहो का, तो जल्दी ही एयर कनेक्टिविटी शुरू होगी। कल मैं माननीय रेल मंत्री जी से भी मिला था, तो एक बड़ी अच्छे संकेत उन्होंने दिए हैं कि जो मैंने कहा था कि यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस से लेकर शताब्दी जैसी ट्रेन की सुविधा मिले टूरिज्म को लेकर, माननीय रेल मंत्री जी ने बहुत पॉजिटिव संकेत देकर के कहा है कि इसमें से हम जल्दी ही कुछ अच्छा प्रयास करेंगे जिससे वंदे भारत जैसी ट्रेन खजुराहो को मिले।